आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से निकला हुआ है बीएससी नर्सिंग एडमिशन, बी फार्मा एडमिशंस, लैब टेक्नीशियंस और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको यहाँ पर थंबनेल पे लिख पाना कठिन है। फिलहाल काफ़ी कोशिश की है हमने, जैसे जिसमें जो इंस्टीट्यूट के नाम भी हमने उनके सामने लिख दिए हैं, जो कोर्सेज हैं आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, आप सभी लोग जानते हैं उनको। और ये एडमिशन सत्र 2021 और 22 के लिए फॉर्म आ गया है, इसकी लास्ट डेट है 5 सितंबर। उससे पहले आपको फॉर्म को भर लेना है, आज से ही ये शुरू हुआ है। तो आइए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हर एक चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जो चाहेंगे वहां पर पहुंच जाएंगे। तो एक एक पहलू को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, अगर आप सभी चीज़ों को देख लेंगे तो कन्फ्यूजन आपके सारे लगभग ख़त्म हो जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एक शॉर्ट नोटिस की, सारी नोटिस की बात करेंगे, आखिरी में प्रॉस्पेक्टस भी देखेंगे और कैसे फॉर्म भरेंगे उस सबसे लास्ट में। तो यहाँ विज्ञापन संख्या दी है, 14 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, ये ऑप्शन आपने देख लिया होगा। नीचे की तरफ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे इन शॉर्ट में ही चीज़ों को समझा दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं का और खा के टर्म्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मेसी हो गई, यानी बी फार्मा की बात यहाँ की गई, फिर यहाँ पर बी फिजियोथेरेपी हो गई, यहाँ पर बी एक्यूपेंशनल हो गया, थेरेपी हो गई, पैरामेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम हो गई जिसमें लैब टेक्नीशियंस है, ओटी है, असिस्टेंट एक्सरे और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर तथा बीएससी नर्सिंग और अन्य पाठ्यक्रम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कृषि धारा के लिए भागलपुर में कृषि स्नातक और स्नातक उद्यान के लिए भी यहाँ पर है, बाकी विज्ञान प्राविधिक विभाग के लिए भी यहाँ पर जेई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इनके क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है। पर हम कुछ ऑनलाइन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 तारीख जो है 15/8/2021 से शुरू हो रहा है, 5/9/2021 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज़ हो गई इसके बाद। और यहाँ नेट बैंकिंग और पेमेंट उसका दिया जाएगा, बाकी अपलोडिंग एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें वो बाद में सूचना आपको देंगी, वो हम अब आपको भी उसी तरीके से देते रहेंगे। और यहाँ न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष होनी चाहिए, वो सभी में लगभग होती ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हो गई, आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसके पीडीएफ को हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हम प्रोस्पेक्टस है, देखिए आपके सामने है विवरण पुस्तिका, इसमें सारी डिटेल दी गई है, इससे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको विधिवत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेजेस को डिस्कस कर पाना कठिन होता है। इनकी प्रवेश परीक्षा के बारे में यहाँ पर देखिए, एक इन शॉर्ट में चीज़ों को प्रोवाइड कराया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के विषय में परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी, लेकिन डेट इन्होंने नहीं बताया, रविवार कहा कि रविवार को ही होगा, जब भी होगा। यहाँ पूर्णांक दे दिए गए हैं, इतने इतने पूर्णांक होंगे इन सभी के, डेढ़ डेढ़ घंटे के ये पेपर होंगे, टाइमिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है और दिन कहा गया कि रविवार ही रहेगा, बाकी डेट के बारे में ये बाद में आपको अवगत कराएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी आपने देख ली। इसके बाद नीचे की तरफ और आप देख सकते हैं कि उपरोक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान में से प्रत्येक विषय में 4-4 अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 100 प्रश्न आपके होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 400 का पूर्णांक इसीलिए बन जाएगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग जो है इस प्रतियोगिता में है, यानी आपको निगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा। माध्यम इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों रहेगा। इसके सेंटर्स की अगर हम बात कर लेंगे तो लगभग बिहार के सारे ज़िलों में रहेगा, ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से है, बिहार जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ भर सभी लोग सकते हैं, अदर ज़िले अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, बस उन्हें रिजर्वेशन का कोटा यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के जो संस्थान हैं जिनमें आप ये कोर्स करेंगे उनके बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। तो बीटेक के लिए यहाँ पर ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप एडमिशन पाएंगे, ये 38 इंस्टीट्यूट हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्टेटमेंट टोटल अवेलेबिलिटी सीट इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड फार्मेसी, तो यहाँ पर 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उनका नाम हमने थंबनेल में भी दिया था और आप यहाँ भी देख सकते हैं, MIT मुजफ्फरनगर है, GPI गुलजारबाग है पटना। तो यहाँ इंस्टीट्यूट में टोटल सीट्स आप 60-60 हैं यहाँ, लेकिन टोटल सीट्स आप मान के चलिए 120 हो गई, अलग अलग कैटेगरी के कितनी सीट्स हैं इसके बारे में यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया गया है।
यहाँ आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और BPHT और BOT थेरेपी, तो यहाँ पर 20-20 सीट्स आपको मिलेंगी। यहाँ आप इनको भी पब्लिक हेल्थ में आप देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और यहाँ कितनी सीट्स इनकी हैं इसके बारे में भी जिक्र कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी 20-20 सीटें यहाँ पर इनकी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पटना में सारी के सारी सीट्स हैं, तो एक ही इंस्टीट्यूट में यहाँ आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर आ जाइए BSc नर्सिंग कॉलेज, तो यहाँ BSc नर्सिंग में जो आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पर देख पाइए कि ये तीन इंस्टीट्यूट यहाँ पर बताए गए हैं। उन तीनों इंस्टीट्यूट में 60-60 सीटें हैं और आप आसानी से इन फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है कि आप इतनी सीट्स पर ही फाइट करेंगे, एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये चीज़ें आपने क्लियर कर ली होंगी। फिर यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है कि जो सिलेबस है वो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, पेज नंबर 25 से लेके आगे तक दिया गया। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जा सकते हैं, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप देखिए कहाँ कहाँ से चीज़ें कौन कौन सी डाउनलोड कर सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर आपको क्लियर किए दे रहे हैं। तो आप देखिए इस जगह पर सबसे पहले यहाँ से तो आप पर्टिकुलर इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑनलाइन करने का मोड दिया गया है यहाँ से, तो यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑनलाइन वाले मोड पर चलते हैं। तो जैसे ऑनलाइन वाले मोड पर जाएंगे यहाँ भी सारी वही रिपीटेड नोटिफिकेशंस पड़ी हुई हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं। ऑनलाइन करने का मोड ये रहा, प्रॉस्पेक्टस ये रहा, बाकी जो नोटिस दो हमने दिखाई आपको वो दोनों यहाँ से रहीं। तो इस तरीके से आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं एक एक करके। अब अप्लाई वाले मोड पर हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप देखिए नीचे फोटोग्राफ साइज़ 100 KB से नीचे, ये चार सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लीकेशन, और यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको लोगो मिलेगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आपको आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा और आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म जो है, तो यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है आप देख सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट योर ग्रुप पास कौन सा है किया है, तो आपने देख लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है या PCB तीनों से किया है। तो आप मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हमने किया, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें डिटेल्स भरते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी है, सेलेक्ट रेजिडेंस क्या है आपका, आपका जो है बिहार है या बिहार के बाहर है। आप अगर नो करते हैं तो बाकी चीज़ें यहाँ पर डिफ़र हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के यहाँ ईमेल और मोबाइल नंबर आपको सटीक भरना है, उसी हिसाब से आगे आप फॉर्म को फिलअप करते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपको क्लियर कट भरना है। तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको फॉर्म भरने में होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी यथासंभव मदद भी की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जैसे इसकी अगली अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।